अली, हम कब तक इस तरह ही ऑनलाइन चैट पे बात करते रहेंगे? जब तक इंटरनेट कनेक्शन है। अली, मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे नामों की तरह हम भी एक हो जाएं, पर तो इसके लिए ना तुम्हें अपने घर वालों को मेरे घर भेजना होगा। तुमने अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात किया नहीं? हम बात तो किए, मगर देखो अली, हम पिछले 2 साल से फेसबुक फ्रेंड्स हैं, पर तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया सिवाय इसके के। तो तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अली, ये बात नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो अपने घर वालों को मेरे घर भिजवा दो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारूं। अगर अब तुम टाल हो ना तो। बाबा, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है तुम्हें अपना बना के अपने घर लाने की। पर अम्मी और अब्बू कनाडा में, 2 साल लगेंगे उन्हें कम से कम यहाँ आने में। अली, जल्दी आ जाना ना लग गया। अली, तुम तो अकेले रहते हो ना, तो फिर ये आवाज़? अरे वो बराबर वाले बंगलो में भी एक बच्चा है, उसका नाम भी अली है, शायद उसकी मॉम उसे बुला रही होंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? मेरी एक जरूरी कॉल आ रही है और इसी हफ्ते तुमसे मिलता भी हूँ। मुझसे नहीं, मेरे अम्मी अब्बू से। हाँ हाँ, उन्हीं से। ठीक है, मिस यू, बाय। अमीना, मुझे पानी पिला लो, बहुत प्यास लगी है। अलिश्बा, कोई है? जब आपसे कोई काम हो नहीं सकता तो काम को बिगाड़ा भी मत करें। अलिश्बा, ये क्या तरीका है बात करने का? जानती भी हो तुम्हारे अब्बू है ये? हाँ हाँ जानती हूँ, पिछले 3 सालों से एक्सीडेंट करवा के बेड पे ही पड़े हैं। और इसमें भी कसूर इन्हीं का है, न जाने इनका दिमाग कहाँ होता है। जब बीच सड़क में गैर हाजिर दिमाग के साथ चलेंगे तो ये तो होगा। और अम्मी, पता नहीं आप इनको कैसे बर्दाश्त करती हैं। बस बहुत हो गया, ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों थी? मुझे भी आने का कोई शौक नहीं, मुझे शादी करनी है और लड़का मैं ढूंढ चुकी हूँ। लड़का? कौन लड़का? आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम था जिससे आप कासिर हैं, तो मैंने कर लिया। कौन है, क्या करता है, कहाँ मिला? इंटरनेट पे। पिछले 2 साल से मैं उसे जानती हूँ, बहुत अमीर है, गाड़ियाँ और बंगले भी हैं, और अपना खुद का बिजनेस भी है, यहाँ भी और कनाडा में भी। और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वो इसी हफ्ते मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। अम्मी, आप ही बात कीजिएगा उनसे, इनका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना। तेरे रब ने यह फैसला फरमा दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और वालिदैन के साथ एहसान किया जाए। अब एहसान कहते हैं कि कोई आपके साथ भलाई न करे और आप उसके साथ भलाई करें, या वो आपसे कम भलाई करे और आप उससे ज़्यादा भलाई करें। एहसान का दर्जा अदल से ऊपर होता है, लिहाजा वालिदैन ने जितना कुछ नरमी और रहमदिली के साथ औलाद की परवरिश की होती है, कुरान का तकाजा ये है कि औलाद उससे भी बढ़कर वालिदैन के साथ भलाई करे। अब आपकी तबीयत कैसी है? अलिश्बा ने बताया था जो मसला आपके साथ मेरा मतलब है आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं अंधाधुंध। तुम्हारे वालदेन नहीं आए बेटा रिश्ता लेने के लिए? अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि आंटी और अंकल कनाडा में।
जरा ये बताना, ये अनीस भाई और मरियम भाभी कनाडा कब शिफ्ट हुए हैं? आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते हैं? हम तो तुम्हारी बीवी नाहिद को भी जानते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो बच्चे भी हैं तुम्हारे। अली क्या है ये सब, शादी, दो बच्चे, तुमने मुझसे झूठ कहा, क्यों? अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो बातें कर रहा है ना कनाडा की, सब झूठ बोल रहा है। ना इसका कोई बिजनेस है, ना कोई गाड़ियों का शोरूम है, कुछ भी नहीं है। अरे घूमता रहता है ये हर वक्त। अली अब्बू जो कह रहे हैं वो सही है? अलिश्मा मेरी बात का यकीन करो, ये सब झूठ है। ठीक है फिर एक काम करते हैं, अभी एक कॉल करते हैं अनीस भाई को, सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं उनको फोन करने की क्या जरूरत है। अलिश्मा अलिश्मा मेरी बात तो सुनो अलिश्मा। जब चार की इजाजत है शरीयत में, और जो शख्स एक के बाद दूसरी शादी करना चाहता है अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है शरीयत के मुताबिक, नान नफका जरूरियात जिम्मेदारी उठाने के काबिल है, जिस्मानी एतबार से माली एतबार से फराइज की अदायगी के काबिल है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो ख्वाहिश रखता हो शादी की तो मुआशरे को उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। जब तक हम हलाल को आसान बनाते रहेंगे हराम के दरवाजे बंद रहेंगे। आप फिक्र नहीं करें, इस पर अली का भूत सवार हो गया है। नहीं समीना सही कह रही है अलिश्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी वजह से। जैसा आपने रिश्ता बोला था ना वैसे ही रिश्ता मैंने ढूंढा। माशाल्लाह से इतनी दौलत है उनके पास कि दोनों हाथों से भी पूरी जिंदगी लुटाओगी ना तो खत्म नहीं होगी। मैं समझी थी इतने दिन गुजर गए तुम भूल गई होगी उसको, मगर तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई। अम्मी हो सकता है ना कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई हो, और अब्बू का तो वैसे ही दिमागी मसला है, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। बेटा अगर ऐसी बात है तो उसने उस दिन अनीस भाई को फोन करने से क्यों मना किया, क्यों डर गया था वो? ओफो आप लोग उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, मैं उनके बारे में इतना कुछ क्यों नहीं जानती? बेटा अनीस भाई तुम्हारे अब्बू के दूर के रिश्तेदार हैं, और अली की शादी में हम दोनों गए थे, तुम्हारे फाइनल ईयर के पेपर हो रहे थे तो तुम नहीं गई थी, तुम कुछ नहीं जानती, और उसे हम देखते ही पहचान गए। अम्मी कुछ भी हो मैं अली से ही शादी करूंगी। सब कुछ जानने के बाद भी अलिश्मा वो एक निकम्मा इंसान है, किसी काम का नहीं है वो। ये तो अनीस भाई का घर है, वरना पता नहीं वो क्या करता, ना वो अपने माँ बाप को संभालने का काबिल है ना ही बीवी बच्चों को। सब बाग दिखा रहा है तुम्हें, बेरोजगार है, सड़कों पे घूमता रहता है, बर्बाद कर देगा तुम्हें वो। अच्छा तो आप लोगों ने मुझे कौन सा महलों में रखा हुआ है? एक घर था जो आपके इलाज के चक्कर में बिक गया, और हम इस छोटे से मकान में आके रहने लग गए, और अम्मी का सोना जो आपके इलाज के चक्कर में सब बिक गया। बेटा अलिश्मा क्यों ऐसी बातें करती हो जिससे मुझे तकलीफ हो? जो मुंह में आता है बोले जाती हो, कोई लिहाज कोई मुरव्वत है तुम्हारी आंख में? तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र है। अच्छा अगर इनको इतनी ही मेरी फिक्र है ना तो कहें अम्मी के बिस्तर छोड़ दें और अपने बाप होने का फर्ज अदा करें, ढूंढ कर ले आए कोई अच्छे घर से रिश्ता मेरा। मगर ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आप इनकी बीमारी के साथ समझौता कर सकती हैं अम्मी, लेकिन मैं इनकी बीमारी के साथ हरगिज समझौता नहीं कर सकती। ये तो अपनी बीमारी का रोना सुनाकर हमें चुप करवा देंगे। अलिश्मा अलिश्मा आप फिक्र नहीं करें, इस पर अली का भूत सवार हो गया है। नहीं समीना सही कह रही है अलिश्मा, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी वजह से। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, अगर इसे अपनी मनमानी करनी है ना तो करने दे इसे अली से शादी। कैसी बातें कर रही हो तुम, अलिश्मा जैसी भी मेरी बेटी है, मैं अपने सामने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। शरीयत मुतहरा की तालीमात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, मगर हमारे रवैये बाज़ औक़ात तज़ादात का शिकार होते हैं। हम शरीयत मुतहरा की बाज़ औक़ात उस शेक को ले लेते हैं जो हमें सूट करती है, और दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। एतदाल का नाम दीन है, लिहाजा वालिदैन की भी एक बाउंड्री है और औलाद की भी एक बाउंड्री है। हर कोई अगर अपने अपने दायरा कार में रहे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब तक औलाद ना बालिग है तो उसके नफ़ा नुकसान तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है, जब औलाद बालिग हो जाती है
तो बेसिकली तो शरीयत ने हर बाले फर्द को मुकल्लफ बना दिया है अपने नफे और नुकसान का अहकाम का, लेकिन वालिदैन फिर उनके गार्डियन होते हैं, क्योंकि वालिदैन से बढ़कर कोई खैरखा नहीं हो सकता। लिहाजा वालिदैन की खैरखाही से जवान औलाद को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने वालिदैन की खैरखाही को मशकूक निगाहों से कभी भी नहीं देखना चाहिए किसी औलाद को। समीना बहन, जैसा आपने रिश्ता बोला था ना, वैसे ही रिश्ता मैंने ढूंढा है। माशाल्लाह से इतनी दौलत है उनके पास कि दोनों हाथों से भी पूरी जिंदगी लुटाओगी ना तो खत्म नहीं होगी। और जहर लेन देन, अरे अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है उनके पास, और ये तुम्हारे कबाड़ाने से क्या लेंगी वो। मेरा मतलब ये था कि जहेज से तो कोई लेना देना है ही नहीं उनका, उनकी तो सिर्फ एक ही शर्त है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, और हमारी अलिश्बा जैसी लड़की कहाँ मिलेगी उनको। अरे समीना क्या सोच रही हो तुम, अलिश्बा तो राज करेगी, बस जरा सा सोच लो तुम कि उसकी किस्मत और उसका मुस्तकबिल माशाल्लाह से रोशन हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, बस तुम हामी भर लो, बात मैं चलाऊंगी ना आगे, झट मंगनी पट शादी। मैं अलिश्बा के अब्बू से मशवरा कर लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस एक बात है देर ना करना, क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते मिलते नहीं हैं। चाय? हाँ मिले। समीना कैसी बातें कर रही हो, दो दिन में कैसे निकाह होगा, तैयारी करनी है, इतना सब कुछ करना है, कैसे होगा सब कुछ? आप फिक्र नहीं करें, सब हो जाएगा। मैं यहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, तुम अकेली कहाँ पहुँचोगी, क्या क्या करोगी? अरे उन लोगों ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सादगी से निकाह कर दें। तुमने पता किया कौन लोग हैं, खानदान कैसा है, लड़का क्या करता है, कैसा है लड़का? फरीदा आपा बता रही थी बहुत अमीर लोग हैं और बहुत अच्छा खानदान है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो समीना, आजकल के दौर में बगैर मतलब की कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, और ये बगैर लेन देन के शादी के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, देख लो हम लोग कोई फंस ना जाए। आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है, जब मैं अली से शादी करना चाहती थी तो उस बात पे आप लोगों को मसला था, और अब जब ये रिश्ता आया है तो इस बात की तकलीफ है। बेटा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल सकता है। मिलता है, अपने नसीब से ही मुझे अच्छा रिश्ता मिला है, और उन्हें भी पता होगा कि इस घर में मेरे सिवा और कुछ भी अनमोल नहीं है, इसीलिए वो मुझे अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके अपना रहा सहा दिमाग ना चलाएं, मेरे लिए और मजीद मुश्किलात ना बढ़ाएं। मेरा बस चले ना तो मैं आज इस घर से रुखसत हो जाऊं। मेरी बीमारी ने मेरी बच्ची को मुझसे कितना दूर कर दिया है, नफरत करने लगी वो मुझसे। मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रही थी कि तुम अपने अब्बू से मिलो, उनको बड़ा शौक था तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने का। ओह मम्मी प्लीज, जाते जाते तो मेरा मूड ना खराब करें कम से कम। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे शौहर हैं, अगर आप जमीन पर सोएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुमसे किसने कहा मेरे लिए ये बनाओ? आप ही ने तो कहा था कि तुम्हें जो पसंद हो वो बना दो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी तरह तुम्हारी पसंद भी लोअर क्लास होगी। बेटा मैं तुमसे कह रही थी कि तुम अपने अब आप मुझे लेक्चर देना ना शुरू कर दीजिएगा कि ससुराल में ऐसे रहना वैसे रहना ये करना वो करना। नहीं बेटा, मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रही थी कि तुम अपने अब्बू से मिलो, उनको बड़ा शौक था तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने का, उनकी बहुत ख्वाहिश है बेटा। ओफ प्लीज, जाते जाते तो मेरा मूड ना खराब करें कम से कम, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, और अब्बू को मैं अपने आस पास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, सब मेरा वेट कर रहे हैं। खुदा इस लड़की को सब्र और शुक्र की तौफीक दे। अरे आप जाग रहे हैं, मुझे लगा आप सो गए होंगे। वो अलिश्बा तो बहुत जिद कर रही थी आपसे मिलने की, मैंने ही मना कर दिया, मैंने कहा अब्बू सो रहे हैं, मैंने सोचा आपको नहीं जगाऊं। वैसे अभी अभी निकली है, आप बोले तो बुला लूं। नहीं समीना, मेरी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है,
मुझे पता है मेरी मौजूदगी उसे तकलीफ देगी। आपने सुन लिया था? या अल्लाह, मेरे बेटे को खुश रखना, खुश रखना मेरी बेटी को। मतलब इनकी प्रॉपर्टी की अकेले वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वाह तेरी किस्मत अलिश्बा, तू तो राज करने के लिए बनी। क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे शौहर हैं, अगर आप जमीन पर सोएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जमीन पर मैं नहीं, तुम सोगी। मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता, अपना बेड भी नहीं। ये क्या मजाक है रईस? जाओ जाके चेंज करो, जब चेंज करो तो लाइट्स ऑफ कर देना। और हाँ, अगर तुम खर्राटे देती हो ना तो कमरे से बाहर चले जाओ। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत थका हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब उठो भी, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है मियां बीवी के माबैन? कुरान मजीद इस पर फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। और लिबास और इंसानी जिस्म का रिश्ता क्या है? वो आपस में जुदा नहीं हो सकते और उनसे एक दूसरे का कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो लिहाजा इस रिश्ते की कुर्बत जब इतनी गहरी है तो फासला नहीं होना चाहिए। अगर फासला रखेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वो बेतकल्लुफी नहीं रखेंगे जो शरीयत ने इजाजत दी और हुक्म दिया, तो फिर वो रिश्ता चलेगा नहीं। इतनी देर तक सोना मुझे पसंद नहीं है। उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। सुबह के 6 बजे आपको मैं नाश्ता बना के दूं? मैं 4 बजे तो सोई हूँ। क्यों? मैंने तो तुम्हें सोने का कह दिया था। फिर क्या कर रही थी रात को? किसी से फोन पे बात कर रही थी क्या? जी जी नहीं। अच्छा चलो, खैर मेरे लिए नाश्ता बनाओ जल्दी से। क्या खाएंगे? अरे कुछ भी बना दो, लेकिन जल्दी प्लीज। ये क्या है? आपका नाश्ता। तुमसे किसने कहा मेरे लिए ये बनाओ? रईस, आप ही ने तो कहा था कि तुम्हें जो पसंद हो वो बना दो। अरे मैंने कब कहा? क्या हो गया रईस आपको? आपने खुद ही तो कहा था मुझे।
मुझे नहीं याद कि मैंने कब कहा, और अगर मैंने कह भी दिया तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारी पसंद क्या है। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी तरह तुम्हारी पसंद भी लोअर क्लास होगी। अब जाओ और मेरे लिए कुछ और बना के लाओ। जी क्या बनाऊं आपके लिए? एक काम करो, मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट और फ्रेश जूस ले आओ बस। और हाँ, थोड़ा जल्दी करें ना प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने का। अरे अब जाओ भी, मेरा मुंह देखती रहोगी क्या? बहुत दिनों बाद याद आई हमारी। लगता है बहुत मसरूफ हो अपनी नई जिंदगी में, इसीलिए हमारे बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कैसी बात है, तुम अपने अब्बू से मिली भी नहीं और चली गई। बहुत सदमा लिया है उन्होंने इस बात का। तुम इकलौती लाडली बेटी हो उनकी। बहुत सदमा दिया है तुमने। क्या हुआ बेटा, खामोश हो गई? कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा रईस कहाँ है? पता नहीं अम्मी, मुझे तो उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, तुम रईस को लेकर घर पर आओ, तुम्हारे अब्बू उनसे मिलेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जी आंटी, मैं तो इसे कहता रहता हूँ कि चलो अम्मी अब्बू के मिल के आते हैं। और ये है कि अरे रईस बेटा कैसे हो तुम? जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। इंशाल्लाह बेटा जरूर आना। अच्छा बेटा, तुम्हारे अंकल आवाज दे रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में बात होगी, ठीक है? जी आंटी। तो हम कब जा रहे हैं अम्मी के घर? तुम्हें मेरा दिमाग खराब लगता है कि मैं उस कबूतर खाने में जाऊं? लेकिन अभी तो आपने अम्मी से कहा है। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। आप कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हैं? नहीं 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 नहीं, तुमने अपनी अम्मी को भी यही कहा था, मैंने अपने कानों से सुना था कि तुमने कहा कि मैं दिमागी मरीज हूँ। तुम मुझे पागल समझते हो तुम लोग? ऐसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? हाँ देखा देखा, तुम मुझे पागल मानती हो। अबू मैंने आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने मुझे भी वैसा ही शौर दिया। जा रही हो क्या? कहीं जा नहीं रही, जा रहे हैं हम दोनों अम्मी के घर। हम तो कहीं नहीं जा रहे। बासित आज मेरा बर्थडे है और मैंने आज सुबह ही अम्मी से कॉल पे बात की थी और मैंने कहा था हम फाइनली आपके घर आ रहे हैं। मेरी तो कोई बात नहीं है उसे। क्या हो गया बासित आपको, क्या प्रॉब्लम है? आपको सच में ना इलाज की जरूरत है। क्या कहा तुमने, मुझे इलाज की जरूरत है? बासित आप कहां की बात को कहां ले जाते हैं? नहीं 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 नहीं, तुमने अपनी अम्मी को भी यही कहा था, मैंने अपने कानों से सुना था कि तुमने कहा कि मैं दिमागी मरीज हूँ। तुम मुझे पागल समझते हो तुम लोग? ऐसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? हाँ देखा देखा, तुम मुझे पागल मानती हो। शहीद मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। अच्छा आप जाके रेडी हो जाएं और मुझे ये बताएं कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तुम भी रेडी हो जाओ अपने गिफ्ट के लिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आकाल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अब गदुल हलाल इंदल्लाह अत्तलाक, अल्लाह ने जिन कामों को इंसान के लिए हलाल किया है, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है। गोया तलाक देने की इजाजत तो दी कि ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस अमल को सबसे ज्यादा नापसंद फरमाया है, लिहाजा इससे हर हाल में बचना चाहिए। इल्ला ये कि ऐसी नौबत आ जाए कि इस रिश्ते को कायम
रखें और दूसरे शरीयत की हुदूद को तोड़ बैठें तो फिर बेहतर है कि रिश्ते को तोड़ दें। बेटा क्यों रो रही हो? अबू मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? अबू मैंने आपको बहुत दिल दुखाया। अच्छा मेरे पैरों से हटो, इधर आके बैठो मेरे पास। नहीं अबू, मेरी यही जगह है। इधर आओ बेटा, अपने अबू के पास बैठो। आ गया हूँ, शाबाश। बताओ क्या बात है? अबू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि गलती नहीं, मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। बेटा कौन से गुनाह की बात कर रही हो? मुझे बताओ, मेरा दिल फट रहा है, क्या बात है, कुछ जवाब दो। अबू मैंने आपकी बीमारी को हमेशा बोझ समझा, हमेशा आपके ऊपर तनकीद की। मुझे उसी बात की सजा मिली है। कौन सी सजा, क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबू मैंने आपकी बीमारी का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने मुझे भी वैसा ही शौर दिया, पर अबू अबू आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी अम्मी का साथ नहीं छोड़ा। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी बहुत आला जर्फ है, इस बीमारी में उन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया है। नहीं हर किसी की किस्मत अम्मी जैसी नहीं होती। अबू मुझे रईस ने तलाक दे दी है। क्या तलाक? या अल्लाह, तूने मेरी बच्ची को मेरे कौन से गुनाहों की सजा दी है? नहीं अब्बू, ये आपकी किसी भी गुनाह की सजा नहीं है, ये मेरी बदसलूकी की सजा है जो मैंने आपके साथ की थी। अब्बू मुझे माफ कर दिए प्लीज। अब्बू मुझे माफ कर। चुप हो जाओ, बस। जहाँ शरीयत मुताहरा ने बालिग औलाद को अपने फैसले करने का इख्तियार दिया है, वहां उनको मॉरली अखलाकी तौर पर इसका भी पाबंद किया है कि आप वालिदैन की दिल आज़ारी ना करें, उनको एतमाद में लें, उनके साथ नरमी प्यार और मोहब्बत से बात करें और उनकी रज़ा को अपने पेश नज़र रखें। वालिदैन की रज़ा का दर्जा ये है, वालिद की अगर मैं बात करूं तो आकल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ामंदी के अंदर है। जिसने वालिद को राज़ी रखा उसने रब को राज़ी रखा, और जिसने वालिद को नाराज कर दिया उसने रब को नाराज किया, बशर्ते के वालिद की नाराजगी शरी तौर पर नाजायज ना हो। अगर वालिद ऐसी ख्वाहिश रखता है जो शरीयत के दायरे में जायज और दुरुस्त बात है तो वालिदैन की रजा का यह दर्जा है। ऐसे माँ फरमाया आकल इस्लाम ने, अल जन्नत तहत अकदाम उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। अब जन्नत का कितना आला मुकाम है, तो माँ और बाप की दुआ, माँ और बाप की खुशनुदी, माँ और बाप की रजामंदी औलाद के लिए बहुत खैर व बरकत का जरिया है। और जब तक वालिदैन की दुआएं इंसान के साथ होती हैं, मैं समझता हूँ कि ये उसकी एक डिफेंस वाल है।